प्रीति की लाइफ में सिंदूर की कोई कीमत नहीं है, कोई जगह नहीं है। सिंदूर के साथ ये खिलवाड़ कर रही है, दो दिन तीन दिन सिंदूर नहीं लगाएगी, उसके बाद सिंदूर लगाती है तो सिंदूर को अच्छे तरह से पानी से शाम हो देगी धो लेती है, उसके बाद रात को रो रो के इतने बड़े बड़े आंखें करके आंसू निकाल निकाल के वीडियो धनाधन अपलोड करती है। यानी मतलब ये लोग व्यूज छापने के लिए ड्रामा बिल्कुल अच्छे तरह से पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। बाकी इन लोगों का फिक्र है तो किसकी, पैसे कमाने की, डॉलर कमाने की, रुपया कमाने की, व्यूज पाने की। यानी मतलब इन लोगों की इज्जत की कचरा बन रहा है, इसको कोई फर्क नहीं है, कोई मतलब नहीं मतलब है, सिर्फ पब्लिक को बार बार ये लोग गुमराह कर रहे हैं। प्रीति सूरज भगोड़ा भगोड़ी तो थे है, अब सिंदूर का भी इनके लाइफ में कोई कीमत नहीं है, बार बार हाथ खाली कर लेती है। और उसके बाद में अभी जा रही है फिर से मेकअप करके सिंदूर लगा के, और फिर देखना दो दिन के बाद सिंदूर मांग से हटा है। जब तक हम सिंदूर धोएंगे नहीं, तब मिटाएंगे नहीं, तब तक सिंदूर कैसे मिटेगी, बिल्कुल नहीं मिटेगी। तो ये लोग सिंदूर को अब हथियार बना रहे हैं व्यू छापने के लिए, डॉलर छापने के लिए। और उसके बाद में इन दोनों की हो जाती है लड़ाई, जब वहाँ से आते हैं तो दोनों जने प्लानिंग करते हैं बैठ के जो अब किस टॉपिक पे व्यूज आएगा। तो ये बोलते तुम अपनी मम्मी के घर जाओ, और इधर बोलते तुम अपनी मम्मी के घर जाओ। दोनों मम्मी को समझाएंगे, वहाँ का वीडियो दनादन अपलोड करेंगे, और उसके बाद कम्युनिटी भी लगाया जाता है इनको व्यूज आने के लिए, वीडियो वायरल करने के लिए। तो आइए हम आप लोगों को इनकी सच्चाई बताते हैं, एक एक सच्चाई। नमस्कार दोस्तों, मैं दर्पण भंडारी शमाची ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में सब व्यस्त होंगे। व्यस्त रहना भी चाहिए, तभी आप अपनी फैमिली को अच्छी खुशियाँ दे पाएंगे, और मैं भी दोस्तों बहुत अच्छी आप लोग को दुआ से। तो दोस्तों जो मेरे चैनल पर नए आए हैं, भूले भटके आए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। दोस्तों इस वीडियो को आप लोग फुल वॉच करिए, लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, यानी मतलब वीडियो को बिल्कुल भगाइए नहीं, तभी आप लोगों को समझ में आएगा जो मैं आप लोगों से कौन सी बात ऐसी सच्चाई बात शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को करते हैं शुरू। सूरज और प्रीति व्यू छापने के लिए ये लोग इतने बड़े बड़े माइंड गेम खेल रहे हैं, बैठ के प्लानिंग कर रहे हैं। ये लोग एक नंबर का भगोड़ा भगोड़ी तो थे है, और उसके बाद में प्रीति के जिंदगी में, लाइफ में सिंदूर की कोई कीमत नहीं है, कोई जगह नहीं है, कोई कदर नहीं है, कोई वैल्यूशन नहीं है। बार बार ये सिंदूर दो दिन तीन दिन पे लगाती है, और उसके बाद लगाएगी, दस मिनट के बाद सिंदूर आराम से जैसे लगता है पानी से धो लेती है या जीभ से चाट लेती है, उसके बाद रात को रो रो के बड़े बड़े आंखें करके आंसू निकाल के वीडियो धनाधन खचा खच अपलोड करते हैं। सिर्फ व्यूज के इन लोगों की फिक्र है, अपनी इज्जत की कोई कीमत नहीं है इन लोगों की। और उसके बाद में बार बार पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, और उसके बाद में सिंदूर चूड़ी भी निकाल लेती है, और उसके बाद में ये लोग ऐसे करते हैं, ऐसे पब्लिक को दिखाते हैं, समझ में नहीं आता है। और उसके बाद में प्रीति वहाँ पे आने के बाद बता रही थी जो मेरी सूरज के साथ मेरी लड़ाई हुई थी, इस बात पे लड़ाई हुई थी, जो वो अपनी बार बार मम्मी को याद कर रहा था, अब मैं नहीं दिखता हूँ उसको, मम्मी को याद कर रहा था, इसीलिए अपने वो अपने मम्मी के घर गया, हम अपने मम्मी के घर आए हैं। मतलब इन लोगों का ये चाल था जो आप हम जा रहे हैं अपने मम्मी के घर, तुम भी जाओ अपने मम्मी के घर, दोनों को मिलाएंगे, मान जाते तो ठीक है, नहीं तो व्यूज तो बनेगा ही, डॉलर तो बनेगा ही, व्यूज तो आएगा ही। तो इसीलिए आप प्रीति तैयार होके सिंदूर लगा के मेकअप से कब बिल्कुल आराम से करके अब जा रही है सूरज के पास, या दो दिन के बाद फिर देखना वहाँ पे सिंदूर फिर मिटा लेगी, फिर वीडियो दनादन अपलोड करेगी, फिर लड़ाई हो रही है, ये हो रही, मतलब इनकी ड्रामा बंद होने वाली नहीं है। ये बिल्कुल सिंदूर को आप बना ली है हथियार, यानी मतलब डॉलर छापने की, व्यूज कमाने की। और दूसरी बात, अगर इन लोगों पे कोई वीडियो अगर बनाए तो उन लोगों को धमकी देते हैं जो स्ट्राइक हम देंगे, ये कर देंगे, गाली देंगे, जो भी कुछ। और दोस्तों जितने भी आप ये लोग बात सुने हैं, तमाम तरह का लोग वीडियो बना रहे हैं, भगोड़ा भगोड़ी, प्रीति सूरज ये है, सिंदूर की कीमत नहीं जान रही है, मंगलसूत्र की कीमत नहीं जान रही है, बार बार हाथ खाली कर रही है। जो लोग उनके सपोर्ट में वीडियो बनाते हैं वही लोग बार बार इस तरह का वीडियो बना रहे हैं, दो चार दिन से लगातार कोई लोग ये वीडियो बना रहे हैं जो आखिरकार प्रीति ने लगा ली फांसी। बताइए कैसा शब्द बोले, टाइटल में लोग लिख ले हैं जो लगा ली फांसी, उनकी वीडियो खूब चला है, और थंबनेल पे भी वो रस्सी वाली सीन दे रही है, वो बात सुनने से भी मतलब ऐसा लग रहा है। और जो लोग सती सावित्री बनती है, जो लोग उनके सपोर्ट में वीडियो बनाते हैं, उन लोगों का ये कर्माती है, पता है किस लिए? सिर्फ सबको चाहिए टीआरपी व्यूज, मतलब ये नहीं देखते हैं जो चलो अगर कोई बात नहीं, अगर वो दुश्मन है या हेटर है, अगर वो कुछ कोई बोल दिया तो चलो उसका वैल्यूशन नहीं होता, लेकिन अपने आदमी होके ये लोग अपने को ही पेट में नहीं बोलते, पीठ पे वार करो छुरा भूको, यही इन लोगों का
फितरत है। मैं अच्छे तरह से यूट्यूब पे बिल्कुल हाल समाचार जान गई हूँ जो कौन कितना पानी में है, यानी मतलब कोई किसी का नहीं है। व्यू छापने के लिए आपके ऊपर कीचड़ उछाड़ देंगे, उसके बाद में क्या करेंगे समझ में नहीं आता है। और वो ऑटो वाले तो बना ही रहे हैं भगोड़ा भगोड़ी, ये इसकी औकात है, क्या क्या शब्द बोल रहे हैं, हम अपने वीडियो में नहीं बोलना चाहते हैं। और दूसरी बात, मेरी तबीयत भी खराब है। हाँ, मुझे, मैं ये सब नहीं बोली हूँ जो लोग बोल रहे हैं, मैं बोलूँगा। फिर मेरे वीडियो से सबकी लगने लगती है मिर्ची, उन लोगों का होता है जो मैं ही बोल रही हूँ। ये फांसी वाली बात कम से कम 10-15 दिन से, 4 दिन से, 2 दिन से लगातार चल रही है, वीडियो जा बन रही है। और यही बात अगर मैं बोली हूँ तो देखिए आप मेरे ऊपर सब उंगली उठाना चालू हो जाएंगे, क्योंकि उस वक्त मुँह में दही जम जाती है मेरे हेटरों सबको, और मैं जो बनाती हूँ ना तो उन लोगों को फटने लगती है, मिर्ची लगने लगती है। और उसके बाद में ये चीज़ मुझे बुरी लगी है, जो सूरज भैया की अगर मम्मी एक्सेप्ट नहीं करी है तो चलो ये बात चलने वाली है, ये तो समझ में आ रहा है, इसलिए समझ में आ रहा है। चलो उनको दान दहेज नहीं मिली है तो उसकी मम्मी गुस्सा है, तो उनका बेटा है, तो चलो कोई बात नहीं, मतलब नहीं एक्सेप्ट करी, ठीक है। लेकिन प्रीति दीदी की मम्मी को मान जाना चाहिए, प्रीति दीदी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, समझाना चाहिए। अगर गई है तो कुछ दिन रखती, उसको समझाती, हौसला देती, और उसके बाद में मतलब कोई बात नहीं। लेकिन प्रीति की मम्मी बिल्कुल नहीं मानी है, इसीलिए आज प्रीति दीदी अपना घर जा रही है सूरज भैया के पास में। और वो उन लोगों का मैं वीडियो देखी तो ऐसा रोने का मन हुआ है जो बता नहीं सकते हैं। मतलब मम्मी को गोदी में भर भर के बिल्कुल मतलब देख भी नहीं रही है उनके तरफ। अब क्या वो आंटी नहीं रोएगी? सब रोएगी, माँ का एक कलेजा अलग होता है, लेकिन उनके सामने दिखावा कर रही है, जो गलती करी है, मुझे नहीं बोली है, मैं तैयार थी सूरज के साथ शादी करने के लिए, तो अपने मन से शादी क्यों करी है, इस पे प्रीति की मम्मी गुस्सा है। तो चलो कोई बात नहीं है, गलती होती, बच्चे से ही गलती होती है। वो गई थी, थोड़ा भी नई नई शादी हुई है अभी उम्र की, मतलब ये लोग अभी कच्ची है, बार बार इन लोगों का लड़ाई झगड़ा होता है, तो थोड़ा समझाता बुझाता इन लोगों का, जैसे जैसे टाइम व्यतीत होगा वैसे वैसे सब कुछ शांत हो जाएगा। लेकिन अब आंटी भी नहीं समझने की कोशिश करी है, अब क्या बताए, और समझ में नहीं आता है। लेकिन पर मुझे प्रीति मम्मी की थोड़ी सी बात बुरी लगी है, जो एक्सेप्ट नहीं करी है, और इस तरह जब तक रही तब तक भला बुरा बोलती रही क्या क्या। तो चलो गलती की है तो भला बुरा बोली तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन जाने नहीं देती। ये आस लेके गई थी जो हम कुछ दिन रहेंगे कुछ भी, लेकिन पर चलिए कोई बात नहीं है, सबकी अपनी अपनी है। इस पर भी देखना मेरे ऊपर ही सब उंगली उठाएंगे, जो अफवाह फैला रही है, अफवाह ये कर रही है, ये कर रही है। आप लोग दोस्तों कौन कौन देखे हैं जो मैं जिनका बारे में बोली हूँ, आप लोग समझे हैं तो कौन कौन देखे हैं, तो आप कमेंट करके दोस्तों जरूर बताना। और मैं सभी से माफ़ी चाहती हूँ जो मैं अब किसी के ठेस पहुँचाने के मकसद में वीडियो नहीं बनाई थी, जिनको भी बुरी लगी हो उनसे मैं सॉरी माफ़ी चाहती हूँ, क्षमा कर देना, सॉरी। और दोस्तों आप लोग कमेंट करके दोस्तों जरूर बताना जो मैं गलत बोल रही हूँ, किस में सही बोल रही हूँ। और एक बात दोस्तों, भगवान से आप लोग प्रार्थना करिए और जो इन लोगों की जोड़ी सलामत रहे। और सूरज भैया के वीडियो में, आप प्रीति दीदी को वीडियो में आप लोग गलत कमेंट मत करिए, और उसके बाद में आप लोग हौसला दीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट करिए, जो आप लोग लड़ाई झगड़ा वाला वीडियो यूट्यूब पे ना डालें, और अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि जानते हैं यूट्यूब पे इतनी छोटी सी बातों को कितना नमराया जाता है अपना इज्जत के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, बाय बाय, टाटा, सी यू।